अरविंद केजरीवाल के पीए को समन भेजा गया है सर? बिल्कुल ठीक है, अरविंद केजरीवाल और उसके पीए को जो समन भेजा गया है उससे सच्चाई सामने आ जाएगी वो खोलेंगे तो। अभी तो ये मुद्दा जो मनीष सिसोदिया जी का है, जो उन्होंने फीडबैक लेने के लिए एजेंसी का गठन किया था और वो एजेंसी बीजेपी के नेताओं की इंक्वायरी कर रही थी, जांच कर रही थी, तो उसका खुलासा हुआ, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके बाद एक ईडी बड़े खुलासे कर रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमें फंसाने की कोशिश की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आगे भी दो बार मनीष सिसोदिया जी का किया गया पर सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब उस टाइम सीबीआई किसी के दबाव में काम नहीं कर रही, सीबीआई जो है एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो अपना काम कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल के पीए को ईडी ने शराब घोटाले में समन भेजा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिन प्रतिदिन नए से नए घोटाले कर रही है, जिस तरीके से शराब घोटाले में वो सीधा सीधे पकड़े गए हैं, दिल्ली का वजस लूटते हुए, दिल्ली को धोखा देते हुए, दिल्ली के हर धार्मिक स्थान के साथ शराब के ठेके खोलते हैं, रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खोलते हुए, और जिस तरीके से आप देख रहे हो अब दिल्ली सरकार ने उपकरण खरीद कर दिल्ली के विपक्ष के नेताओं पर जासूसी कांड कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया जल्दी जेल जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कोई घोटाला नहीं हुआ शराब का, आज उनके पीए को समन भेज दिया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और उनके जितने भी लोगों ने बैठकर ये समन जो आज आया उसको इसलिए भेजा है कि उन्होंने एक ऐसी शराब की एक्साइज पॉलिसी बनाई जिससे सभी टैक्स को बढ़ाकर दिखाया गया और उसके साथ ही दिल्ली के राजस्व को चूना लगाया और दिल्ली के हर मंदिर गुरुद्वारे और हर धार्मिक स्थल के साथ और हर रिहायशी इलाके में शराब के ठेके खोले। मेन क्या है कि उन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट करते समय कोई नॉर्म्स नहीं देखे, रिहायशी इलाकों में भी ठेके खोल दिए और सबसे बड़ी बात पिंक ठेके महिलाओं के लिए स्पेशल, ये तो कोई हमारी संस्कृति नहीं है कि महिला को 11 बजे शराब लेने जाएं, तो पिंक ठोके तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। दूसरी बात ये चाहे कहते रहे हमने कोई घोटाला नहीं किया, अगर घोटाला नहीं हुआ होता तो ठेके रद्द क्यों होते? रद्द हुए हैं ना, उसके बाद सब शांत हो गए हैं, उसके बाद किसी ने केजरीवाल ने विरोध तो नहीं किया ना कि हमारे ठेके रद्द क्यों करे हैं, इसका मतलब उसमें गड़बड़ घोटाला था, जभी तो नहीं उन्होंने स्वीकार करके आराम से बैठ गए और बाकी डिपार्टमेंटों ने अपना काम किया है, इसीलिए सभी ठेके बंद हो गए हैं, इसीलिए सभी ठेके बंद हैं। केजरीवाल के पीए को समन भेजा है ईडी ने, भेजा है तो कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर, सीबीआई हो या ईडी सब ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी गोयल जी ने बोला कि सिसोदिया जी खुद बोले कुछ नहीं मिला, अगर कुछ नहीं मिला तो किसी ने कोई कार्रवाई भी नहीं की, कुछ मिलेगा तो कार्रवाई अवश्य होगी, उसके लिए इनको तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों झूठे हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, अपनी कही और कथनी में इनमें बड़ा अंतर है, कहते ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर, वही है इनका हिसाब, इनके दांत खाने के और है दिखाने के और है, अंदर खाते ये बहुत भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, एक दिन सब जनता के सामने आएगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी की चार्जशीट में आया था, आज उनके पीए को समन भेजा गया है, तो क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे? देखिए जी, कौन जेल जाएगा कौन नहीं ये कोई पार्टी तय नहीं करती, ये वो डिपार्टमेंट तय करती है जिनके पास केस जाते हैं, जो अपनी वहाँ पे इंक्वायरी करते हैं, जब इंक्वायरी ढंग से होगी जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हीं के आधार पे कार्रवाई होगी और उसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के पीए को ईडी ने समन भेजा है शराब घोटाले में। मैं तो एक बात कहूंगा, केजरीवाल शर्म करो इनको, शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल के पीए को ईडी ने समन भेजा है शराब घोटाले में अभी। हाँ मैडम, उनको केजरीवाल के लिए तो सारे केजरीवाल को तो कहीं पर भी स्टैंड ही नहीं करना चाहिए, वो तो हर जगह घोटाले ही करता है, पहले उसने शराब के ठेके खुलवाए, उसके बाद उसने खुद ही बंद करवाए सारे की सारी, उसने अपने जितना भी उसने अपना प्रॉफिट बनाना था बना लिया, उसके बाद सब जिन्होंने लिया उनका भी लॉस हुआ, आम पब्लिक को भी लॉस हुआ। मैं कहती हूँ केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया दोनों को ही इस्तीफा देकर जेल में ही होना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे, आज पीए को समन भेजा गया ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल? मैडम, जो पार्टी खुद चोर होती है वो दूसरों को चोर कहती है, आज अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी बीजेपी के कार्य जो भी हैं उनको चोर कह रहे हैं, वो खुद चोर है, जो बंदा खुद चोर होता है वो दुनिया को कहता है कि वो चोर है, क्योंकि वो पब्लिक को अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं कि उनका हमारी तरफ से मन हट जाए, जो उन्होंने शराब घोटाले जो भी वो घोटाले कर रहे हैं उस मामले में वो अपने आप को पीछे डाल रहे हैं। अभी भी आज वो सदर जो बैठे हुए हैं सिविक सेंटर में, उनका मेयर भी बन गया, उनका सब कुछ बन गया, उसके बाद भी वो स्टैंडिंग कमेटी का
नहीं कर रहे हैं, एक घंटे का वो कहते हैं कि हम वो ले रहे हैं, दो दो घंटे तीन तीन घंटे तक वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सदन को स्थगित कर रहे हैं। जो हमारे निगम पार्षद हैं वो कल से वहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई खाने का कुछ नहीं। तो ऐसी ऐसी भ्रष्ट सरकार को निलंबित करना चाहिए। केजरीवाल के पीए को समन भेजा गया ईडी की तरफ से। केजरीवाल के पीए को समन गया तो कुछ ना कुछ मिलेगा। और जो जैसा कि दिल्ली में पिछले चार महीनों से देखा जा रहा है, क्या खेला हो रहा है। और जो पूरी रात मेयर का चुनाव हो गया, वाइस चेयर महापौर का मेयर का हो गया, स्टैंडिंग कमेटी में खेला खेलना, उनका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कहावत हमने पूरा सदन देखा है, सदन में जो गरिमा का उन्होंने गौरवमान किया महापौर बनने के बाद, उनकी सली ओबराई जी 10 मिनट की बात कहकर 2 घंटे में आती। और जो आज जो बात ईडी की है, ईडी में जो सम्मान आया है, तो इसमें दूध का दूध पानी हो जाने डरता क्यों हो, तो बहुत कट्टर ईमानदार है, वो तो डरता ही नहीं किसी को, वो तो अपने आप को कहता मैं कट्टर ईमानदार हूँ। क्यों डर रहे हैं भैया, डर क्यों रहे हो, डरो मत, कट्टर ईमानदार हो, जाने दो दूध का दूध पानी हो। ईडी के पास कुछ होगा तेरा पीए गिरफ्तार हो जाएगा, नहीं होगा तो छोड़ देगी। डरना किस बात का, बौखलाहट किस बात की। केजरीवाल का काम दूसरों पर उंगली उठाना, अपनी गरेबान में जागना नहीं। और इन्होंने काम जो करने हैं दिल्ली का बेड़ा करके ना, कोई नया काम नहीं करना, नया स्कूल नहीं बनाना, नया हॉस्पिटल नहीं बनाना, नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, ये केजरीवाल का काम बन चुका है। और शराब घोटाला खुद लेकर आता है, खुद ठेके खोलता है और करता है। शराब घोटाले में ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के पीए को नोटिस भेजा गया है, समन किया गया है। हाँ जी, हाँ जी, शराब घोटाले में ऑलरेडी पहले से सिसोदिया जी का नाम है, अभी जासूसी कांड में फिर सिसोदिया जी को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जासूसी कांड में और अभी भी जो मेयर के इलेक्शन हुए हैं वो भी कल रात से ही उसमें दिक्कत हो रही है, कोई अभी फाइनल नहीं हो पाया है। अब हम सब लोगों की मांग है कि सिसोदिया जी को जेल भेजा जाए। पहले उनका शराब के नाम में, शराब तस्करी के नाम में उनका नाम आया था, अब इनको जासूसी कांड में इनको सजा होनी चाहिए, बस यही हमारी मांग है। अभी लोगों से बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि आज जो पीए को समन भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को, इस पूरे मामले को लेकर जो है उन्हें जवाब देना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं, तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे राय लेते हैं। 2024 के चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, 24 की तैयारी तो है। इससे पहले केजरीवाल के जो जितने भ्रष्ट नेता हैं, जितने भ्रष्ट इनके मंत्री हैं, इनकी पोल खोलनी है। लालू यादव के बेटे से मुलाकात की उन्होंने, जिन्हें कभी गाली दिया करते थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मीडिया, आप लोग जो भी कुछ है ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं, तो संगठन लोगों से बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल के पीए को समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। मेरे हिसाब से उन सभी व्यक्तियों को समन जाएगा जो लोग घोटाला कर रहे हैं। केजरीवाल के जितने भी मंत्री हैं सारे घोटालों के आरोपी हैं और सारे घोटाले कर रहे हैं, उनको एमएलए जो भी हैं उनको समन पहुंचेगा। और आगे आने वाले समय में जितने घोटाले कर रहे हैं सबको समन पहुंचना चाहिए और पहुंचेगा। आने आए तो भ्रष्टाचार ही बढ़ा रहे हैं, कह रहे थे शराब घोटाला नहीं हुआ, शराब घोटाले में ईडी ने उनके पीए को समन भेज दिया। नीचे से ऊपर तक सारे चोर तभी तो भेजा, नीचे से तो उठाया जाएगा सबको। पीए है, खुद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया हमारे के एमएलए है जो 90 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए हैं, एमसीडी के टिकट बेच रहे थे। तो मेयर बन गया, कह रहा लोकतंत्र की जीत हुई। क्या कह रहा, लोकतंत्र की जीत हुई है कल। ये सारे मुद्दे बेफालतू के उठाए जा रहे हैं, ये अपना जो कमी है उसको दुबका रहे और कुछ नहीं है। केजरीवाल पार्टी की हार हो रही है, उनको पता लगे अब उनको उनकी पार्टी का नाश होने वाला।